नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीआईवी के पेपर वन की यूनिट 12, जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम ऑलरेडी आधा यूनिट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं इसका, और इंट्रोडक्शन, कॉमन सेंस अप्रोच टू द प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, रिलेशन ऑफ रिस्क टू प्रेजेंट वैल्यू, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। अब हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वो है डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग ऑफ अ कैश फ्लो। अब डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग किसी कैश फ्लो का हमें करना है तो वो कैसा करेंगे? कैश फ्लो कुछ नहीं होता, जो भी पैसा आना होता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो पैसा आता है उसी को हम कैश फ्लो कहते हैं। अब डिस्काउंटिंग अ कैश फ्लो कन्वर्ट्स इट इनटू प्रेजेंट वैल्यू रुपी एंड इनेबल इट टू यूजर टू डू सेवरल थिंग्स। फर्स्ट, अब डिस्काउंट करने का मतलब है कि जो फ्यूचर में जो चीज़ आने वाली है, जो पैसा आने वाला है, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कंपाउंडिंग इससे उल्टा है। कंपाउंडिंग मतलब जो आज हमें मिलने वाला है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी उसको हम एस्टिमेट करके देखते हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो रिवर्स हैं एक दूसरे के। अब इसमें क्या है साथियों, कोई भी वंस कैश फ्लो आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो कैश फ्लो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उनको एग्रीगेट करके और कंपेयर किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन है किसी पर्सन के पास कि आज वो कुछ पैसा ले और फ्यूचर में उससे ज़्यादा उसको अगर मिल रहा है तो उसको कौन सा चॉइस लेना चाहिए, मतलब प्रेजेंट वाले में जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए या फ्यूचर में जो एडिशनल जो उसको कैश फ्लो मिलेगा वो लेना चाहिए। तो इसको डिसाइड करने के लिए जब हम एग्रीगेट करके तभी क्लियर पिक्चर जो है वो क्लियर होती है, उसके बाद हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। इफ प्रेजेंट वैल्यू आर एस्टिमेटेड करेक्टली द यूजर शुड बी इन डिफरेंट बिटवीन द फ्यूचर कैश फ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। तो अगर एस्टिमेट प्रॉपर कर लेते हैं तो फ्यूचर कैश फ्लो और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है उन दोनों में हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़, अगर सिमिलर रहती हैं, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो विल डिक्रीज एज द डिस्काउंट रेट इंक्रीजेज। अब डिस्काउंट रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैश फ्लो की वो हमेशा कम होती जाएगी। डिस्काउंट रेट क्यों कम, अगर कब बढ़ता है डिस्काउंट रेट? उस केस में बढ़ता है जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो या फिर उस पर्सन को उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो या फिर जो फ्यूचर में जो कैश फ्लो आने वाला है उसमें कुछ डाउट हो, मतलब इन द सेंस कि उसकी सर्टेनिटी जो है वो उतनी नहीं है, अनसर्टेन है थोड़ा सा, तो वो अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो वो ये भी डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट रेट जो है वो बढ़ता है और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है। अब दूसरा आता है हमारा कंपाउंडिंग अ कैश फ्लो। करंट कैश फ्लो कैन बी मूव्ड इनटू फ्यूचर बाय कंपाउंडिंग द कैश फ्लो एट द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब कैश फ्लो कोई आज की डेट में अगर कोई पैसा मिल रहा है और हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू 2 साल बाद कितनी होती, अगर ये हमें 2 साल बाद मिलता तो एक्चुअली में इसके बदले में कितना पैसा मिलना चाहिए था, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये है कि हम फ्यूचर वैल्यू उसकी कैश फ्लो की निकालें। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है एफ वी इंटू इजकल टू सी एफ इंटू 1 r/r। ये वही फॉर्मूले का सिंप्लीफिकेशन है जो हमने कंपाउंडिंग का जो फार्मूला देखा था, सेम वही फार्मूला है, सिमिलर वही है कि आज की डेट में कुछ पैसा है तो फ्यूचर में कितना होगा टोटल, तो वही हम इससे भी निकाल सकते हैं। साथियों, इसमें जैसे दे रखा है इनकी एब्रीविएशन की CF0 जो है इस फॉर्मूले में कैश फ्लो है, डिस्काउंट रेट है और एन जो है वो नंबर ऑफ पीरियड टाइम पीरियड्स हैं। कंपाउंडिंग जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि कैश फ्लो आर कन्वर्टेड फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टू फ्यूचर। कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर और डिस्काउंटिंग में फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये हुआ साथियों। दूसरा है एक एबॉटसन एंड सिंक्यूफील्ड स्टडी। तो ये स्टडी में साथियों क्या था, इस वैसे तो बहुत सारी कहानी इसमें लिखी है बट आपको सिंपली मैं बताऊं कि इसमें है क्या। एक्चुअली इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दिखाया गया है कि अगर कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट में फ़र्क है तो वो लंबे पीरियड में जब आप इन्वेस्टेड रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आज आपको लग रहा है कि 3% और 3.5% यानी कि आधा परसेंट का ही फ़र्क है बट जब आप लॉन्गर पीरियड यानी 10-20 साल के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इस टेबल नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें एग्जांपल देकर समझाया हुआ है। 40 साल तक का डेटा इन्होंने कैलकुलेट करके रखा है कि तीन लोग हैं, इसको मैं ऐसे समझते हैं कि तीन लोग हैं, उन्होंने अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया, तीनों के पास $100 थे, तीनों के पास $100 थे, तीनों ने अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया। एक पर्सन ने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, दूसरे ने ट्रेजरी बॉन्ड में और तीसरे ने हमारे ट्रेजरी बिल में। तो अब इसमें अलग अलग उनको इंटरेस्ट रेट मिले क्योंकि स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा रहता है बट लॉन्गर पीरियड में रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो अगर ये हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो लिया हुआ है वो है 12.4%,
एवरेज रिटर्न जो है वो 12.4% इन्होंने माने हुए हैं, ठीक है। और जो रिटर्न बॉन्ड पे मिल रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड पे, तो ट्रेजरी बॉन्ड पे 5.2% जो बीच में है, और सबसे कम रिटर्न जो मिलता है वो ट्रेजरी बिल पे मिला है, वो है 3.6%। तो ये तीनों पर्सन ने अगर अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, तीनों के पास $100 थे, एक पर्सन ने ट्रेजरी बिल में, इसमें आपको मिला 3.6%, इसमें आपको मिल रहा है 5.2%, और इसमें आपको मिल रहा है 12.4%, ठीक है। अब ये जब लॉन्गर पीरियड यानी कि 40 साल तक का डेटा उन्होंने मेंटेन किया है, 40 साल तक के उनके रिटर्न्स देखे हैं, तो किस तरह से रिटर्न आए हैं, अब ये इस टेबल में आप देख के समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब पहले साल में जो है वो रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका 3.6 का इंटरेस्ट रेट था, तो $100 के कितने हो गए, 103.60। 5.2 का इंटरेस्ट रेट था तो 105.20 हो गया इसके एक साल बाद, और यहाँ पे 12.40 तो 112.40। हालांकि स्टॉक्स में जो है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप सिमिलर रिटर्न्स लें, बट ये एक एवरेज आउट जो एवरेज रिटर्न था उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है, जबकि ट्रेजरी बॉन्ड और ट्रेजरी बिल में तो जब इंटरेस्ट रेट फिक्स है तो उतना ही मिलेगा। अब अलग आते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट 5 ईयर में आप देखेंगे कि अब इसमें डिफरेंस आना शुरू हो गया। $100 से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन जो ये पर्सन है जिसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया उसके पास हो गया 179, जो ट्रेजरी बॉन्ड वाला था उसके पास 128.85 हो गए, और इसमें 119.34 हुए। तो यहाँ पे डिफरेंस आना शुरू हुआ है, और ये डिफरेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, और लास्ट में जब हम देखते हैं 40 ईयर्स के बाद में, तो इनके रिटर्न देखिए आप कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी कि जो ट्रेजरी बिल है उसके 4 गुना हुए हैं, करीब $411 हुए हैं, यहाँ पर इसके $760 ऑलमोस्ट हो गए हैं ट्रेजरी बॉन्ड वाले के, और स्टॉक वाले के देखिए $10,731 इसके हो गए हैं। तो आप इनसे कंपेयर कर सकते हैं क्या, इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए आप कितने गुना ज़्यादा रिटर्न इसमें आए हैं। तो अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अगर इन जो इन्वेस्टमेंट है आपने अगर चाहे भले ही सिमिलर जो अमाउंट है उससे शुरुआत की है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह होता है और जहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, और वो अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर रहता है, तो कंपाउंडिंग से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है साथियों हमारा, वो है रूल ऑफ 72। तो 72 का रूल आई होप कि आपने सुना होगा पहले भी, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रूल है जिसमें हमें बताया जाता है या समझाया जाता है सिंपल तरीके से, आपको कैलकुलेट करना हो कि कोई भी अमाउंट जो है, मान लीजिए हमारे पास एक्स डॉलर है, एक्स रुपीज़ हैं, तो एक्स का 2x कब होगा, यानी कि 100 रुपये हैं तो 100 के 200 कब होंगे, कितने साल में लगेंगे हमें, कितने पीरियड ऑफ टाइम लगेगा 100 के 200 होने में, इसको पता लगाने के लिए ये रूल है सिंपल, 72 का रूल है, रूल ऑफ 72 इसे कहते हैं। तो अगर हमें इंटरेस्ट रेट पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो अमाउंट जो है जो हमने इन्वेस्ट किया वो कितने दिन में डबल हो जाएगा उस इंटरेस्ट पे। अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट मान लीजिए उस पे हमें मिलता है कितना, 9% का मान लीजिए इंटरेस्ट अगर मिलता है, या 8% का इंटरेस्ट मान लीजिए अगर मिलता है, तो 8% का इंटरेस्ट मिलता है तो कितने हमारा उसको लगेंगे, 9 साल। 8 से हम 72 को डिवाइड करेंगे तो 8×9=72, तो 8% का रेट है इंटरेस्ट का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 72 को हम डिवाइड करेंगे तो 9 साल लगेंगे 100 रुपये को 200 रुपये होने में। 100 रुपये अगर किसी ने जमा किए उसको 8% का इंटरेस्ट अगर लगातार मिलता रहता है तो उसको 9 साल लगेंगे 200 रुपये होने में उन 100 रुपये को। अगर यही इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 8 की जगह 9% हो जाता है, 9% इंटरेस्ट हो जाता है तो कितने लगेंगे, तो उसे 8% लगेंगे। 12% इंटरेस्ट हो जाता है अगर मिलता है लगातार, तो 12×72 तो ये 6 ईयर्स उसको लगेंगे। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके जो ईयर हैं डबलिंग के वो कम होते जाएंगे, जो कि काफ़ी अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ 72 है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं साथियों फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट बोथ द फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब साथियों क्या है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली है मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि किसी अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% मिलना है। अब इंटरेस्ट रेट दो सिचुएशन है, दो पर्सन है, दोनों को इंटरेस्ट रेट 10% मिल रहा है उनकी सेविंग पे, दोनों ने मान लीजिए 100 रुपये लगाए इसने, कहीं इन्वेस्ट किए,
ए और बी हैं, दोनों के अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट रेट भी सेम मिल रहा है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग अलग है। यानी कि इसके तो ईयरली कंपाउंडिंग है, साल में एक बार जो हो रहे हैं, और इसके अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है या हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, इसकी मान लीजिए एक साल में एक बार कंपाउंड हुए हैं, इसके हैं एक साल में मान लीजिए चार बार कंपाउंड हो रहे हैं, क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, तो अगर इस तरह का अगर रहता है, या डेली है मान लीजिए 365 टाइम्स कंपाउंड होंगे एक साल में, तो अगर इस तरह का है तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इनके और इनके बराबर नहीं होंगे, ए और बी के रिटर्न जो हैं वो बराबर नहीं होंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके रिटर्न ज़्यादा होंगे। तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो एक्चुअली में हमें दिख तो रहा है कि दोनों में 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये तो इसको तो हम 10% कह सकते हैं, बट यहाँ पे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो एक्चुअल जो रेट है, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% नहीं होगा, वो 10% से ज़्यादा होगा, और वो डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि वो हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या डेली है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इसमें जो कैलकुलेट करते हैं हम, वो है 1+r/n(n-1)। ये इसका फॉर्मूला है, इससे हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें आप कैसे भी देख सकते हैं, जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। तो यही है, इसमें और कुछ नहीं है इतना। और ये नीचे जो टेबल दे रखी है इसको आप देख के और अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे कि इफेक्टिव यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 10% जो है रेट है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, लेकिन इफेक्टिव एनुअल रेट कितना पड़ेगा, कोई पर्सन है उससे कहा गया कि भाई 10% इंटरेस्ट हम आपसे लेंगे, तो अगर एनुअली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड जो है वो एनुअली एक है, तो क्या होगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% ही लगेगा। लेकिन अगर उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सेमी एनुअली लग रहा है, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पे लग रहा है, 6 मंथ में वो कंपाउंड हो रहा है, तो उस केस में जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो उसका कैलकुलेट होकर आएगा इस कैलकुलेशन के साथ में, वो है हमारा 10.25। ऐसे ही मंथली के केस में 12 पीरियड हो जाएंगे तो 12 बार उसको करना होगा, तो ये हमारा 10.47। और डेली का अगर बात करते हैं तो ये 10.51 का इंटरेस्ट रेट लगेगा। और कंटिन्यूस अगर होता है, यानी कि कोई टाइम पीरियड का कोई बार नहीं है, लगातार वो कंपाउंडिंग होती रहेगी, तो इस केस में भी ये 10.51 का, यानी क्योंकि डेली बेसिस पे ही होगा वो भी, तो ये भी इतना ही निकल कर आता है, 10.5171 के निकल के आएगा। तो ये है साथियों, और आप इसे देख के इससे आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी, जब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइमिंग बढ़ेगी, टाइम की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है, हालांकि दोनों सारे ही पेमेंट जो हैं वो एक साल के लिए ही रखे जा रहे हैं, लेकिन सभी का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कई केस में कि कार लोन या होम लोन, कई जगह जहाँ लोन मिलता है तो वो कहते हैं कि हम लोन काफ़ी कम रेट पे दे रहे हैं, बट एक्चुअली में जो फ्रीक्वेंसी, कई जगह ऐसा होता है कि उसको हाफ ईयरली कम जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है या क्वार्टरली होती है, तो उस केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो उससे ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट साथियों, हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एन्यूटी। अब एन्यूटी क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आई होप कि आपने इसमें जो GIB में भी एन्यूटीज़ हैं तो वहाँ पर भी पढ़ा होगा। एन्यूटी का जो सिंपल अगर हम देखें तो कोई भी पैसा जो हमारा रेगुलर फ्लो, रेगुलर जो कैश फ्लोज आते हैं उसी को हम एन्यूटी कहते हैं, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में आते हैं और रेगुलर आते रहते हैं, जैसे हमारी सैलरी भी हो सकती है। सैलरी का फॉर्म अगर अब फिक्स अमाउंट आता है, हालांकि सैलरी कई बार थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, तो अगर फिक्स अमाउंट आता है, किसी का रेंटल इनकम है या पेंशन को कह सकते हैं अगर वो आती है, तो ये सारे जो है वो एन्यूटी के एग्जांपल हैं। अब इसमें क्या है, मान लीजिए ये अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और अमाउंट जो है ए अमाउंट है उतना ही सेम अमाउंट आता जाता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एंड टू एंड पीरियड एन्यूटी, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी एन्यूटी, तो इसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें कि आज की डेट में यहाँ से यहाँ तक के जो भी पैसा मिलना है उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू a/r 1-1/r^n। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रखना है साथियों, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, जिसमें कि हमारा ए जो है वो एन्यूटी हो गया, कि कितने अमाउंट जो आना है एन्यूटी लिख सकते, सोच सकते हैं, या उसको अमाउंट कह सकते हैं। आर जो हो गया हमारा जो डिस्काउंट रेट है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे हम मान के चल रहे हैं, और क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं हम फ्यूचर के जो कैश फ्लो हैं, तो उसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, तो डिस्काउंट रेट हो गया। तो और चौथा एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ पीरियड है, कि कितने पीरियड तक के, मान लीजिए ये चार है तो यहाँ पर हमने चार ले लिया है, और पीरियड आगे तक का कैलकुलेट करना हो तो उसको उस हिसाब से पीरियड जो है वो बढ़ते जाएंगे।
इसके साथ ही यही कैलकुलेशन है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज़ यू स्टार्ट अ रेंट अ कार बिजनेस एंड वांट टू बाय एन ऑटोमोबाइल, यू हैव टू चॉइस बाइंग अ कार कैश डाउन 4 लाख और पे 90,000 अ ईयर फॉर 5 ईयर फॉर द सेम कार, व्हाट वुड यू डू इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%. अब इसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है कि कोई पर्सन, आप मान लीजिए कोई रेंट बिजनेस करना चाहते हैं, गाड़ी एक खरीदना चाहते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 4 लाख आज ही डाउन पेमेंट कीजिए और गाड़ी ले जाइए, या फिर आप 90,000 पर ईयर पेमेंट करते रहिए. कब तक? 5 साल के लिए. तो उसमें से आपको क्या करना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा? तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, तो हम उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आज की डेट में जो हम, अब ये तो हमें पता ही है इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 4 लाख है, क्योंकि 4 लाख आज की डेट में आपको देने हैं. पहला ऑप्शन तो 4 लाख है, दूसरे ऑप्शन में आपको 90,000 देने हैं 5 साल तक. तो ये वाला जो सेकंड वाला है, इनकी जो भी एनुटीज़ हैं, यानी कि जो फ्यूचर में आपको देने हैं पैसे, उनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या होगी, तो उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम ये कैश पेमेंट करें या फिर जो 90,000 पर ईयर करें, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा. तो प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते हैं हम 90,000 का फॉर्मूले में जब पुट करते हैं, तो ये कैलकुलेट होकर हमारा जो निकल के आता है वो है 341,171, यानी कि 4 लाख से काफ़ी कम है ये. तो 4 लाख से कम है, तो इसका मतलब क्या है, तो बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन ये है कि 90,000 रुपये 5 साल के लिए दिए जाएँ, वो ज़्यादा सही है, बशर्ते कि हम 4 लाख रुपये एक साथ दे दें. यहाँ पर हमारा सेविंग्स जो है वो ज़्यादा होंगी, ये हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है. अल्टरनेटली भी इन अबव एग्जांपल यू कुड हैव डिस्काउंटेड कैश इंस्टॉलमेंट सेपरेटली एंडेड अप टू द प्रेजेंट वैल्यू फॉर ऑल द 5 इन अराइव्ड एट द सेम फिगर. अब इसमें तो जो हमने डायरेक्टली साथियों जैसे फिगर उसमें रख के क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है हमारे पास एनुटी का, उससे निकाल ली. या फिर हम एक और तरीका हो सकता था इसमें, जैसे ये बता रहे हैं कि एक और तरीका था कि हम जो पांचों का देने वाले हैं, मान लीजिए एक जो जीरो पीरियड पे पैसा देना है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे, सब पे 90,000 देने हैं मान लीजिए कार का, उसी का एग्जाम्पल देते हैं, तो हम इन सभी की अलग अलग वैल्यू की, जो आज देना है 90,000, इसकी तो 90,000 ही होगी वैल्यू. अब ये 90,000 जो 1 साल बाद देना है, 2 साल बाद देना है, 3 साल बाद देना है, 4 साल बाद या 5 साल बाद, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? तो इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट, सॉरी यहाँ तक आएगा, 5 हमें किस्तें देनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी. तो जो जो जैसे इसकी वैल्यू आज की डेट में 90,000 की, जो 4 साल बाद देना है, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है, इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू इन सभी से ज़्यादा होगी. और जो आज ही 90,000 देने हैं, ये तो पूरे 90,000 ही होंगे, बाकी सारे जो हैं 90 से कम ही होंगे. तो या तो हम चारों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकालें और उनको ऐड कर दें, तब भी हमारा जो आंसर है वो सिमिलर सेम ही आएगा, या फिर डायरेक्टली फार्मूला याद रखें और उसको मैं पुट करके वैल्यू और निकाल लें. तो ये है नेक्स्ट हमारा जो साथी टॉपिक है, वो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द पीरियड एनुटी. अब एनुटी में भी दो चीज़ें हो सकती हैं, कि अभी तो हम देख रहे हैं कि वो पैसा जो है वो शुरू में आ रहा है, कि 1 तारीख को पैसा आ रहा है, उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं. दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, कि मान लीजिए वो पैसा जो है, अगर मंथली एन्युटी है, मंथली अगर वो पेमेंट आ रही है, तो या तो 1 तारीख को आ रहा है या फिर वो लास्ट ऑफ द मंथ आ रहा है, 30 तारीख को मान लीजिए वो पैसा आ रहा है, कोई भी लगातार जो एन्युटी आ रही है. तो दोनों के केस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, एक किस्त का डिफरेंस एक्चुअल में आ जाएगा. इन सम केसेज एन इंडिविजुअल मे प्लान टू सेट अ फिक्स्ड इनकम इन ईच पीरियड फॉर द नंबर ऑफ पीरियड एंड विल वांट टू नो हाउ मच ही और शी हैव एट द एंड ऑफ द पीरियड. द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द एंड टू एंड एन्युटी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो हमने देखा कि ना, कि अगर वो लास्ट में आता है, कोई 30 तारीख को अगर पेमेंट आती है हर महीने की 30 तारीख को, तो एंड ऑफ द मंथ आ रही है, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, उसके लिए फार्मूला अलग है. एक्चुअली मैं उसको एक जो स्टार्टिंग वाली जो पेमेंट होती है, यानी कि जो 1 तारीख में पेमेंट आ रही है, उस केस में हमारा जो अगर हम निकालते हैं ना, तो एक किस्त हमारी ज़्यादा आती है, और जो एंड ऑफ द मंथ आती है वहाँ पर एक किस्त कम होती है उसके कंपेरेटिवली. Knowing the future value formula, you can calculate the future value of the 5,000 tax exempted PPF you deposit every year for 20 year. तो फ्यूचर वैल्यू एनुटी जो एंड टू एंड ऑफ द पीरियड है, उसका फॉर्मूला ये है साथियों, ए बाई आर इंटू 1 + r^n - 1. तो इनको हम या इसको हम याद रख लेंगे और निकाल लेंगे, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है साथियों. नेक्स्ट है हमारा बैलून रीपेमेंट. बैलून रीपेमेंट का क्या है? बैलून रीपेमेंट वो होता है जहाँ पर एक लमसम अमाउंट में रीपेमेंट किया जाता है. कई लोन ऐसे होते हैं जहाँ पर लोन का जो पूरा टाइम पीरियड होता है, वहाँ पर क्या चलता है, वहाँ पर सिर्फ
इंटरेस्ट देना सर्व करना होता है, इंटरेस्ट सर्व करना होता है, और जो पूरा पैसा है, पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ द टाइम के बाद में एक सिंगल जो रीपेमेंट जो किया जाएगा इन बलून स्टाइल में किया जाएगा, एक ही एक बार में ही सारा पैसा वापस लौटाया जाएगा। तो उसी को हम बैलून रीपेमेंट कहते हैं। जनरली क्या होता है, जो कुछ बॉन्ड्स वगैरह के केसेस होते हैं, जो कंपनी है जो बोरो करती है मनी और उसके बाद पैसा लगा देती हैं कहाँ पर, बॉन्ड या डिवेंचर वगैरह में, बॉन्ड या डिवेंचर इशू कर देती हैं, तो वो पैसा जो है वो कहाँ करती हैं, सिंकिंग फंड में कुछ पैसा रखती जाती हैं, और इतना पैसा रखते हैं कि वो ताकि फ्यूचर में जब रीपेमेंट का टाइम आए 8-10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उनके पास उतना पैसा हो ताकि वो एक बार में सारा रीपे कर दें। तो ये तो बैलून रीपेमेंट सिस्टम लोन का हो गया, यानी कि सिंगल ट्रांजेक्शन में पूरा प्रिंसिपल का पेमेंट करना, पूरा का पूरा लोन एक बार में ही बंद करना, उसमें ईएमआई का कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है साथियों सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है, एक फंड है जहां पर फर्म जो है वो एनुअल कंट्रीब्यूशन कुछ बना रही है इन ऑर्डर टू हैव इनफ फंड टू मीट अ लार्ज फाइनेंशियल लायबिलिटी इन द फ्यूचर। और कोई ऐसा समझ लीजिए जैसे आप ही हैं, आपको मान लीजिए 10 साल बाद कि आपने कुछ सोच रखा है कि 10 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, तो 1 करोड़ होने चाहिए उसके लिए आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, पर ईयर आप अपनी सेविंग्स से कुछ अमाउंट निकाल कर इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि आप 1 साल 10 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए हो जाए। तो ऐसे ही फर्म्स जो हैं उन जिनको अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद में अगर एक फिक्स अमाउंट है, उन्हें पता है कि हमें इतने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अभी से उसमें इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल कर सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जिसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है, और उस हिसाब से इस तरह से ये प्लान किया जाता है, उस अमाउंट उतना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उनके पास इनफ फंड हो, जो भी उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी उस पर्टिकुलर टाइम के बाद होने वाली है उसके लिए उनके पास पूरा पैसा हो। नेक्स्ट है हमारा एनुटीज एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ऑल्सो कॉल्ड एनुटी ड्यू। तो एनुटी जो एंड ऑफ द पीरियड हमने देखा था, यानी कि 30 तारीख को पैसा आ रहा है, और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मतलब 1 तारीख को। अब आपकी आप ऐसे सोच लीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो 30 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को, यानी कि एंड ऑफ द मंथ ना आके अगर आपको पहली तारीख में ही सैलरी मिलने लगे तो उस केस में क्या होगा, यानी कि जो कैश फ्लोज हैं वो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कई लोग आपने देखा होगा कि रेंट वगैरह जो है वो एडवांस में लेते हैं, एक पहले ही ले लेते हैं, कुछ लोग बाद में लेते हैं, जो पहले लेते हैं तो उस केस वो एग्जांपल इस केस का हो जाएगा, एनुटी ड्यू का एग्जांपल हो जाएगा। द एनुटीज वी टॉक्ड अबाउट टिल आर एंड ऑफ द पीरियड कैश फ्लो बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू यूज्ड फॉर कैश फ्लो। तो ये सब कहानी है साथियों जीरो पीरियड में, यहाँ पे वहाँ पर जो एंड ऑफ द पीरियड है वहाँ पर पैसा कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, यानी कि जब एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक महीना अगर मान के चलते हैं, एक पीरियड को एक मंथ मानते हैं, तो वहाँ पर एक मंथ पे शुरू होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, अब ये दोनों के एग्जांपल है, जैसे इसके इससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, एंड ऑफ द पीरियड जो एनुटी है और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एनुटी है। तो अगर ये दोनों ही जो है वो 4 पीरियड के लिए हैं, इनको मान लीजिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए एक मंथ मान लेते हैं कि 4 महीने के लिए एनुटी है कोई, तो एंड ऑफ द पीरियड जो एनुटी होगी वो किस तरह से होगी, यानी कि पहले महीने की 30 तारीख, दूसरे महीने की 30 तारीख, तीसरे महीने की 30 तारीख और चौथे महीने की 30 तारीख। अप्रैल थर्ट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मान लेते हैं, तो जनवरी 30, फेब का मान लीजिए लास्ट तो 28, मार्च का एंड 31st हो गया या 30th हो गया या अप्रैल में भी 30, तो ये इस तरह से मिलेंगे। जबकि जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड होगा वहाँ पर, यानी कि 1st of the January, 1st of the February, 1st of the March, 1st of the April, बस। तो जो लास्ट पेमेंट आएगी वो 1st of the April आएगी, ये चारों इनकी पूरी हो गई। यहाँ पर जो लास्ट पेमेंट आएगी वो कब आएगी, 30th of the April आएगी। तो ये इन दोनों में ये फ़र्क हो जाता है। तो आप इनकी अगर आज की डेट में अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि पहले केस में ज़्यादा वैल्यू होगी या सेकंड केस में? ऑब्वियसली सेकंड केस में ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि ये पैसा तो अभी मिल जा रहा है, ये टाइम जो है 1 मंथ का टाइम जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है इस पैसे को, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगेगा, इस पैसे की वैल्यू। तो इसीलिए ये वाला जो सेकंड ऑप्शन जो है उसमें प्रेजेंट वैल्यू इन एन्युटीज़ की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला रहेगा, इन केस ऑफ बिगनिंग पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड एनुटी, द फर्स्ट कैश फ्लो अकर्स राइट नाउ। तो पहला कैश फ्लो कब हो जाता है, 0 पे हो जाता है, यानी कि राइट नाउ, अभी के अभी
पहला कैश फ्लो हमें मिल जाता है एंड द रिमेनिंग कैश फ्लो टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एंड टू एंड ऑफ द पीरियड एन्यूटी। और बाकियों का जो बाकी जो आएंगे वो किसका फॉर्म ले लेते हैं, एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि ये। तो उससे क्या होता है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी कैन बी रिटेन एज। तो इस केस में जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड एन्यूटी है उसका फॉर्मूला क्या है साथियों, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस तरह से है 100 प्लस 100 बाई 0.10 और 1. इस तरह से हम फॉर्मूला निकाल के, तो ये हमारा आता है प्रेजेंट वैल्यू। दस यू विड ऑब्जर्व दैट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड एन्यूटी इज मोर प्रेजेंट वैल्यू देन द एंड ऑफ द पीरियड एन्यूटी। तो बिगनिंग ऑफ पीरियड के केस में हमारा क्या हो रहा है, 348.70 आ रहा है, और एंड ऑफ द पीरियड के केस में क्या आ रहा है, 3.17 आ रहा है। तो जैसे कि हमने देखा इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड है वहाँ पर हमें फायदा प्रेजेंट वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, और जो एंड ऑफ द पीरियड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होगी। तो यही है इसमें, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा और फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिगनिंग ऑफ द पीरियड एन्यूटी, तो प्रेजेंट वैल्यू जो इसका फॉर्मूला, जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड जो एक तारीख वाली एन्यूटी है कि एक तारीख को पैसा मिल रहा है, उसका फॉर्मूला जो है वो उसका प्रेजेंट वैल्यू वो है वो इस तरह से है, ए प्लस ए बाई आर, वन माइनस वन बाई आर की, वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन। तो इस तरह से ये फार्मूला आप याद रख के इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर वही है अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो फिर आपको एक एक एन्यूटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप फार्मूला एग्जाम में भूल जाते हैं, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं आपको उसका आंसर देना है, तो अगर आपको ये एन्यूटीज़ के फार्मूले याद नहीं रहते हैं तो आपको फिर क्या करना होगा, इसकी वैल्यू आज की डेट में निकालनी होगी। भाई ये जो 3 महीने बाद जो अप्रैल की 1 तारीख को जो पैसा मिलने वाला 100 रुपये, उसकी आज की डेट में 1 जनवरी को वैल्यू क्या होगी, जो अप्रैल 1 तारीख को पैसा 100 रुपये मिल रहा है उसकी जनवरी 1 में वैल्यू क्या होगी वो निकालना होगा, कंपाउंडिंग वाले फार्मूले से ये निकल जाएगा। यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू है वो आपको पता है 100 है, वो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मान लीजिए जैसे 10% दिया हुआ है, इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसके लिए 2 टाइम पीरियड होंगे, यानी कि जो मार्च में आपको 1 तारीख को मिलने वाला है उसकी जनवरी 1 में वैल्यू क्या होगी, इस तरह से निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, तब भी हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तब भी हमारे पास यही 348 जो है आया है इनकी वैल्यू वही आ जाएगी। तो एक तरीका ये भी है अगर आप फार्मूला याद नहीं रख पाते हैं और अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा इसमें। फार्मूला आपको याद रहता है तो आप डायरेक्टली पुट इन करके, और सेम इसी केस में भी है जो एंड टू एंड ऑफ द पीरियड वाली एन्यूटी है वहाँ भी आप अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो चारों ही केस में इसकी वैल्यू जैसे आप अगर निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आज की डेट में 1 जनवरी में जो 30 अप्रैल को पैसा मिलना है उसकी 1 जनवरी में वैल्यू कितनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल लीजिए, जो 30 मार्च को मिलना है उसकी 1 जनवरी में वैल्यू निकाल लीजिए, जो 28 फरवरी को मिलना है उसकी 1 जनवरी में वैल्यू निकाल लीजिए, और जो 30 जनवरी में मिलना है उसकी भी 1 जनवरी में वैल्यू निकाल लीजिए, इन चारों को निकाल के और इनको ऐड कर लीजिए, तब भी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो या दोनों ऑप्शन है, या तो फार्मूला अगर आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छा है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं एक बार में, और नहीं निकाल सकते फार्मूला याद नहीं रहता है तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ बिगनिंग ऑफ द पीरियड एन्यूटीज़। तो जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड एन्यूटीज़ हैं उनकी अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं वो उसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, टिपिकली कैन बी एस्टिमेटेड बाय अलाउइंग वन और मोर एडिशनल पीरियड ऑफ द कंपाउंडिंग ऑफ द ईच कैश फ्लो इफ एन्यूटी इज पेड एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड फॉर एन पीरियड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ एन पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है इसका मतलब, फिर सेम हम उस लाइन पर आते हैं, जो बिगनिंग ऑफ द पीरियड है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड एन्यूटी है यानी कि 1 तारीख को पैसा आ रहा है तो उसकी हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है यहाँ की डेट पे, अप्रैल तक की बात हो रही है, 4 पीरियड की बात हो रही है, अगर एग्जांपल हम लेते हैं 4 पीरियड की बात हो रही है यहाँ तक का निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू यानी कि जो 1 जनवरी को पैसा मिलता है उसकी 1 अप्रैल में क्या वैल्यू होगी, 30 अप्रैल को क्या वैल्यू होगी, ये आप कंपाउंड करके 10% का इंटरेस्ट लगा के कितना बनेगा ये, इसको आप निकाल सकते हैं, ऐसे ही इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी फ्यूचर वैल्यू यहाँ तक निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम इसके भी फ्यूचर वैल्यू भी कर सकते हैं, या फिर आप फार्मूला याद रखिए, सेकेंड ऑप्शन वही है। अगर आपको फार्मूले याद नहीं रहते तो एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है उससे सारी चीज़ें हमारा हल हो सकता है सारी। अब जैसे यहाँ पर जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप देखिए, सपोज यू पुट ₹1000 इन रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 3 ईयर विद एनुअल पेमेंट। आपने कोई आरडी खुलवाई, 3 साल के लिए, ₹1000 आप हर साल जमा कर रहे हो,
हर साल आप उसमें पैसे जमा कर रहे हो, 3 साल तक आप जमा करते हो, मान लीजिए 2020 में आपने खुलवाई, 2021 और 2022, आप 1 जनवरी को 2020 में जमा किए आपने, 2021 में 1 जनवरी को जमा किए और 2022 में 1 जनवरी को जमा किए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है, कंपाउंडिंग इज डन ऑन एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग होगी, वी वो नाउ वॉन्ट टू द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल बाद इनकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 31 दिसंबर 2022 की बात हो रही है, 31 दिसंबर 2022 में इन तीनों की वैल्यू क्या होगी। तो 1 जनवरी जो 20 को आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपये, 1 जनवरी 20 को जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल की कंपाउंडिंग होगी 10% के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। इस पर कितना मिलेगा आपको, 1 साल 2 साल 2 साल की कंपाउंडिंग, और इस पर कितना, 1 साल की कंपाउंडिंग, तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका है जो मुझे पसंद, मुझे मतलब सिंपल लगता है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर फार्मूलेज बहुत ज़्यादा याद नहीं हो पाते हैं, तो मुझे तो ये वाला ज़्यादा ठीक लगता है, ये तरीका है एक। अगर आप फार्मूले याद कर सकते हैं तो उस केस में आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। इसको भी आप ऐड करेंगे तो ये 3641 जो आंसर है, उनकी मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो ये आएगी, यानी कि जो पहले 1000 रुपये हैं 2020 में जो इन्वेस्ट किए थे उस पर 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, जो 21 में किए थे उस पर 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग होगी, और जो 22 में किए हैं उस पर 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और तीनों को मिला के जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो 3641 आएगी। तो 3000 तो इन्वेस्टमेंट हो गया, 1000 3000, और 641 रुपये जो है वो कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। तो ये तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। अब एक कॉन्सेप्ट आता है साथियों, ग्रोइंग एन्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एन्यूटी आ रही है, रेगुलर टाइम पीरियड पे कैश फ्लो हो रहे हैं, और वो कैश फ्लो जो है क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, वो कैश फ्लोस बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर मुझे, और यहाँ पर एंड ऑफ द पीरियड की बात चल रही है, एग्जाम्पल जो है वो एंड ऑफ द पीरियड का है, 1 महीने बाद मुझे मिले हैं 1+g की पावर 1, 2 महीने बाद मुझे मिल रहे हैं इतने, 3 महीने बाद मिल रहे हैं इतने, 4 महीने बाद मिल रहे हैं इतने, यानी कि ये पैसा जो मुझे मिल रहा है हर महीने के जो टाइम पीरियड के बाद जो कैश फ्लो आ रहा है वो हर बार क्या हो रहा है, पहले से बढ़ के आ रहा है। तो अगर इस तरह का कोई केस है जहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न में पैसा बढ़ रहा है तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आज की डेट में हमें इनकी अगर वैल्यू निकालनी है, डिस्काउंटिंग अ ग्रोइंग एन्युटी, इनको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसी ग्रोइंग एन्युटी की, तो इसमें ये वाला फार्मूला हमारा लगेगा, या फिर केवल अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होता है तब भी आप ये आंसर इसका निकाल सकते हैं। कैसे, वही अपना सिंपल वाली जो हमारी पुरानी वाली ट्रिक जो है, कंपाउंडिंग वाला जो है, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन निकाल जाएगा आंसर, जो ये वाला है इसकी हम आज की डेट में वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी हम आज की डेट में वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, इसकी निकाल लेंगे, इसको कितना टाइम मिलेगा, 1, 2, 3 और 4 साल, 4 महीने का, या साल का अगर मानते तो साल का, चार जो टाइम पीरियड है उनका मिलेगा। तो इन चारों की अलग अलग हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आज की डेट में वैल्यू निकाल के और क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और नहीं तो क्या है, नहीं तो अगर आप फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एकदम आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी का मतलब है a(1+) का कैसे निकलेगा, a(1+g)/r-g, 1-g^n/1+r^n। तो ये हैं जो आप इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको, ग्रोइंग एन्युटी। एन्युटीज़ मतलब कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि हमने 2-3 चीज़ें देख ली कि एंड ऑफ द मंथ एन्युटी होगी, एंड ऑफ द पीरियड सॉरी, या बिगनिंग ऑफ द पीरियड, यानी कि जो 1 तारीख में पैसा आ रहा है, एंड ऑफ द पीरियड यानी कि जो 30 तारीख में पैसा आ रहा है, ग्रोइंग एन्युटी जो यानी कि अमाउंट हर बार हर पीरियड में पिछले पीरियड के मुकाबले एक सर्टेन रेट से बढ़ता जा रहा है। तो ये हैं, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है परप्यूटीज। अब परप्यूटी क्या है, एक एन्युटी की तरह ही है, ये भी एन्युटी है जो कि क्या है, एक कैश फ्लो है, कॉन्स्टेंट कैश फ्लो है, पेड और रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर एवर। यहाँ पर फॉर एवर इंपॉर्टेंट है, फॉर एवर का मतलब है कि लगातार, वो उसकी कोई एंड नहीं है, कोई टाइम पीरियड ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि उसके बाद में वो पैसा नहीं मिलेगा, जैसे कि कोई लाइफ टाइम पेंशन, या फिर
कोई ऐसा रेंटल इनकम या कोई इनकम ऐसी है जो आ रही है, लगातार आनी है, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर रखी है आनी है जो, और वो प्रॉपर्टी भी, वो एसेट भी क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं। तो ऐसी कोई इनकम, ऐसी कोई एन्युटी जिसका कोई एंड पीरियड नहीं है, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली आती रहेगी फॉर एवर, तो उसको हम परप्यूटी कहते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परप्यूटी का मतलब है AYR। अ कंसोल बॉन्ड इज अ बॉन्ड दैट हैज़ नो मैच्योरिटी एंड पेज अ फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एज्यूम दैट यू हैव 6% कूपन कंसोल बॉन्ड। द ओरिजिनल फेस वैल्यू 1,000 रुपये। द करंट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज द इंटरेस्ट इज 9% देन फॉलो। तो करंट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, 60/0.9। यानी कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, कंसोल बॉन्ड एक होते हैं जिसमें क्या होता है, कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। आप उसमें पैसा लगाइए और आप क्या करिए, 6% का मान लीजिए अगर, या जो भी उसमें इंटरेस्ट रेट उसमें फिक्स किया हुआ है, उतने इंटरेस्ट रेट आपको हर बार मिलता रहेगा जब तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे। तो उसमें क्या रहता है, उसमें उसमें जो कैलकुलेशन होगी वो किस तरह से होगी, उसकी वैल्यू अगर हम आज की डेट में निकालें तो यही फार्मूला उसमें लग जाएगा, क्योंकि वो परपीटी का एग्जाम्पल है, A/R। तो ए मान लीजिए कि वो 60/0.9 यानी कि 667। तो इस तरह से निकल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ कंसोल बॉन्ड बोल बी इक्वल टू इस फेस वैल्यू ओनली इफ द कूपन रेट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट है हमारा ग्रोइंग परप्यूटीज। तो ये हमने देख लिया साथियों, परप्यूटी का भी फॉर्मूला यही है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परप्यूटी मतलब A/R। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से निकल जाएगा। ग्रोइंग परप्यूटीज़ क्या होती हैं, वही जैसे ग्रोइंग एनुटीज़ होती हैं वैसे ही ग्रोइंग परप्यूटीज़ हैं, यानी कि वो लगातार पैसा आएगा और क्या है, उसका जो अमाउंट है वो भी हर बार ग्रो होता रहेगा, हर बार जो है वो बढ़ के आएगा, पिछली बार से ज़्यादा पैसा एक सर्टेन अमाउंट से वो या सर्टेन परसेंट से वो ग्रो करके आएगा। तो उसकी उस केस में हम जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परप्यूटी इज इक्वल टू C/R-G। तो ऑब्वियसली ये जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ये ज़्यादा होगी जो नॉर्मल परप्यूटी है उसके मुकाबले। तो ग्रोइंग परप्यूटी इज द कॉन्स्टेंट कैश फ्लो ग्रोइंग एट कॉन्स्टेंट रेट। कॉन्स्टेंट कैश फ्लो है जो कि क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट रेट पर ग्रो भी कर रहा है एंड पेड एट द रेगुलर टाइम इंटरवल फॉर एवर। रेगुलर टाइम इंटरवल पर फॉर एवर तक सारी जिंदगी वो मिलता रहेगा। ऑल्दो अ ग्रोइंग एनुटी एंड अ ग्रोइंग परप्यूटी शेयर सेवरल फीचर्स, द फैक्ट दैट अ ग्रोइंग परप्यूटी लास्ट फॉर एवर पुट्स कंस्ट्रेन ऑन द ग्रोथ रेट। अब क्योंकि ग्रोइंग एनुटी और ग्रोइंग परप्यूटी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन क्या है, जो ग्रोइंग परप्यूटी है वो हमेशा के लिए लास्ट करती है, लास्ट फॉर एवर करती है, तो इसीलिए उसमें जो है वो ग्रोथ रेट पे कंस्ट्रेन आता है। इट हैज़ टू बी लेस देन द डिस्काउंट रेट फॉर द फॉर्मूला टू वर्क। तो ये है, इनकी वैल्यू जो है वो डिस्काउंट रेट से कम होनी चाहिए तभी ये फार्मूला काम करेगा। तो बेसिकली आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि परप्यूटी जो है वो भी हमारी एन्युटी की तरह ही है, बस ये है कि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम बार नहीं है। तो इनके जो फार्मूला है वो आप याद रख सकते हैं ताकि आप आसानी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको ईजिली निकाल पाएँ। तो साथियों इस वीडियो में, इस यूनिट में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको ठीक से पढ़ें।